नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे वो वास्तुदीप का उपाय जिससे अगर आपकी बहुत लड़ाई होती है, पति पत्नी के बीच बहुत झगड़े होते हैं, तो ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज शुभ संयोग से शुरुआत करते हैं। गुलाब टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुलाब टिप्स में आज मैं आपको बताऊंगा वास्तुदीप का एक महाचमत्कारी उपाय, जिसे करने से आपके बेडरूम में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, आपके जीवन साथी के साथ में रोज होती चिक चिक, तू तू, मैं से परमानेंट मुक्ति मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं, इसलिए इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण उपाय आज मैं लेकर आया हूं, तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइएगा, लिखते जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 14 अगस्त 2020, भाद्रपद मास की 10वीं तिथि है आज कृष्ण पक्ष की। आज दोपहर 12:59 तक, 12:59 तक ज्वालामुखी नामक अति अशुभ योग रहेगा। ऐसे ज्वालामुखी नामक अति अशुभ योग में भूल कर भी नहीं करे कोई नया काम, हो सकता है लाखों करोड़ों का नुकसान। आज शुक्रवार का दिन है, तो सांसारिक जीत के लिए मां गौरी का विशेष पूजन करना, अर्चन करना, व्रत करना आपके लिए शुभ रहेगा। ऐसा करने से, मां गौरी की आराधना से आपकी लाइफ, आपके कैरियर, आपके जीवन में आने वाले अनचाहे बुरे समय, गंभीर विपत्तियों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। चलिए, तो ये तो बताया आज का संयोग पंडित जी ने, और अब बात करते हैं उस वास्तुदीप की, उस चमत्कारिक उपाय की जिससे आपकी लड़ाइयां खत्म होंगी। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में कि इस तरह के वास्तुदीप का प्रयोग और किसी चैनल पे नहीं बताए जाते हैं। आपकी घर की समस्या को दूर करने में ये चमत्कारिक उपाय जो है वो आपकी बहुत मदद करेगा। तो क्या आपके बेडरूम में, आप पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा कलह कलेश का वातावरण बना रहता है? क्या बात बात पर आपस में लठ बजाने की नौबत आती है? क्या आपके पति घर में, घर से बाहर तो बहुत खुश रहते हैं किंतु घर में अपने बेडरूम में आते ही उनका मुंह सूज जाता है? क्या आपका बेडरूम हमेशा कोप भवन बना रहता है? यदि हाँ, तो जैसे मैंने कहा, आपके बेडरूम का वास्तु दोष आपके संबंधों में दरार का कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, आपके बेडरूम की नकारात्मकता आपके आपसी संबंधों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो आपके वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए, आपके बेडरूम की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग मैं लेकर आया हूँ। इस प्रयोग में वास्तुदीप की बहुत चमत्कारिक भूमिका है, तो आइए जानते हैं इस चमत्कारिक वास्तुदीप के प्रयोग को। करना क्या है, एक कांच या चीनी मिट्टी का लगभग 5 या 6 इंच व्यास का, 5 या 6 इंच व्यास का एक चीनी मिट्टी का सुंदर सा कटोरा, बर्तन, वो ले लीजिए। उस कटोरे के अंदर जो चीनी मिट्टी का 5-6 इंच चौड़ा जो कटोरा है, बड़ा बाउल जो जिसको हम बोलते हैं, उस बाउल में आधे से अधिक पानी भर दीजिए, साफ पानी उसमें भर दीजिए। अब उसमें कांच का एक गिलास जो है उल्टा करके रख दीजिए, यानी जो खुला हुआ मुंह है उस बाउल में उल्टा रख दें, जो कांच गिलास का बॉटम है वो ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार रखें कि छोटे दीपक के लिए वो एक स्टैंड का काम कर दे। एक्चुअली हमें उस गिलास के जो बॉटम है उसके ऊपर एक दीपक रखना है। फिर उसके ऊपर एक छोटा कटोरा कांच का लेकर उसमें घी, तेल या मोम अपनी सामर्थ्य के अनुसार भरकर उसमें रुई की सामान्य बत्ती जला दें।
यानी आपने बाउल लिया, उसमें ग्लास रखी, ग्लास के ऊपर आपको दीपक जलाना है। या तो आप कांच के उसमें जला सकते हैं, नहीं तो आजकल वैक्स के दीपक आते हैं वो भी लगा सकते हैं, और वो नहीं हो तो मोमबत्ती भी लगा सकते हैं। कांच की कुछ गोटियां, कंचे जिसको बोलते हैं, आप और हम बचपन में कंचे खेलते थे, अलग अलग कलरफुल कंचे, ऐसे कंचे ले आइएगा। उस कंचों को उस पानी में चारों तरफ डाल दीजिएगा। फिश एक्वेरियम देखा होगा, मछली वाला जो एक्वेरियम है उसमें बड़े कलर्ड स्टोन पड़े रहते हैं, ऐसे कलर्ड स्टोन, रंगीन पत्थर भी उसमें डाल दीजिएगा, और उसके ऊपर अंत में गुलाब के पुष्प की कुछ पंखड़ियां डाल दीजिएगा। सूर्यास्त के पश्चात आफ्टर सनसेट उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा अपने घर के बेडरूम के कमरा जो है आपका, वहां पर बेडरूम का जो कोना है दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण के अंदर उसको जला दीजिएगा। यदि उस जगह पर रखने में कुछ असुविधा हो रही हो तो वैकल्पिक स्थान के रूप में आप दक्षिण दिशा में कहीं पे भी रख दीजिए। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद इस तरीके से आपको दीपक जलाना है, और ये ध्यान रखिएगा उस दीपक को जलाने के पश्चात में जब रात को सोने से पहले बंद भी कर दीजिएगा, लेकिन वो पानी जो भरा हुआ है कंचे और स्टोन वाला वो रात भर वहीं रखेगा। सुबह उस पानी को अपने बेडरूम के चारों कोनों में छिड़क दीजिए, अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, जिससे कि आपके घर के आपके बेडरूम की सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाए। इस वास्तुदीप के प्रयोग से आपके घर परिवार, आपके वैवाहिक जीवन नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मकता बनी रहेगी, जो आपके शांतिपूर्ण, सुखी, समृद्ध जीवन में मददगार साबित होगा। तो दोस्तों आज ही इस प्रयोग को करिएगा, वो 3-4 घंटे दीपक जलेगा, उस दीपक के कारण आपकी नेगेटिविटी बेडरूम के खत्म हो जाएगी। आज ही इस प्रयोग को करके देखिएगा और इसका परिणाम भी हमें बताइएगा, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं है। इस प्रयोग के माध्यम से निश्चित तौर पर आपके बेडरूम की नेगेटिविटी 100% दूर होगी। चलिए तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से आप चमत्कारिक उपाय करके आप अपनी जो लड़ाई झगड़े हैं या नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बेडरूम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताते हैं, आइए। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं आपके बेडरूम से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, महत्वपूर्ण बातें। मुख्य शयन कक्ष, जिसे मास्टर बेडरूम कहा जाता है, घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में अर्थात साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अर्थात नैऋत्य कोण में होना चाहिए। अगर घर में एक मकान की ऊपरी मंजिल है तो मास्टर बेडरूम हमेशा ऊपर की मंजिल के दक्षिण पश्चिम कोने में नैऋत्य कोण में होना चाहिए। मेहमानों के लिए कमरा, गेस्ट बेडरूम जिसको हम कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। बच्चों के लिए पढ़ने का कमरा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण जिसे हम कहते हैं, उत्तर पूर्व की दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में देवी देवताओं का स्थान माना जाता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, इसलिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भूल कर भी बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बेडरूम बनाने से धन की हानि होती है, काम में रुकावट आता है, बच्चों की शादी में देरी होती है। दक्षिण पश्चिम का, साउथ वेस्ट का जो बेडरूम है स्थिरता लाता है और आपसी जो सामंजस्य है, रिलेशंस है, उसको मजबूत करता है। दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय कोण में बना हुआ बेडरूम अनिद्रा, चिंता, वैवाहिक समस्याओं को जन्म देता है, एग्रेसिवनेस आती, गुस्सा आता है। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि कोण है जो मुखरता और आक्रामक रवैये से संबंधित रखता है। शर्मीले और डरपोक बच्चों को उस कमरों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस आ सके। गुस्से वाले जो लोग हैं उस कमरे में कभी भूल के भी न रहें, जो कि आपके आग्नेय कोण के अंदर है। उत्तर पश्चिम दिशा वाला यानी वायव्य कोण में जो कमरा है उसमें वायु का प्रकोप ज़्यादा रहता है। विवाह योग्य लड़कियों के लिए आप उसको बेडरूम बना सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है ताकि उनका फटाफट विवाह हो जाए, और उसी जगह पे कंसीव के लिए भी सबसे शुभ माना गया है। नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ कमरा, अगर उसके अंदर कोई कपल रहता है तो वो बहुत जल्दी कंसीव करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कंसीव करने के पश्चात में, गर्भ धारण करने के पश्चात में नॉर्थ वेस्ट वाले कमरे को काम में न लें, साउथ वेस्ट वाले कमरे के अंदर नैऋत्य कोण के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए। शयन कक्ष घर के मध्य भाग में कभी भी नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान में कभी भी नहीं होना चाहिए। घर के मध्य भाग को वास्तु में ब्रह्म स्थान कहा गया है, बहुत सारी ऊर्जा को आकर्षित करता है, जो कि आराम और नींद के लिए बने शयन कक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है।
नव दंपति का बेडरूम जो है सदा दक्षिण पश्चिम स्थित नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो दक्षिण या पश्चिम दिशा में भी बेडरूम बनाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नव दंपति का बेडरूम पूर्वोत्तर दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ना हो। उस दिशा में जल तत्व की प्रमुखता होती है। जल के समान शीतल गुणों से परिपूर्ण यह दिशा वंश वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है। गर्भधारण करने में समस्या आ रही है तो नॉर्थ वेस्ट का जो कमरा मैंने आपको अभी कुछ क्षण पहले बताया, वायव्य कोण के अंदर अगर कमरा बना हुआ है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, गर्भधारण के लिए सबसे अच्छा कमरा माना जाता है। और गर्भधारण करने के पश्चात अगर उस कमरे में रहेंगे तो गर्भपात की अबॉर्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो गर्भधारण करने के लिए नॉर्थ वेस्ट और गर्भधारण के पश्चात में साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में बने कमरे में सोना चाहिए। हल्का पीला रंग जो है वो नव विवाहित दंपति जो है अपने कमरे का हल्का पीला सफ़ेद इस प्रकार के कलर रखें ताकि एक मेंटल पीस बनी रहे। रेड कलर मत करवाइए, नहीं तो वो उग्रता लाता है, गुस्से को लेके आता है। बच्चों के कमरे के अंदर गुलाबी अथवा क्रीम कलर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन रंगों से बच्चों में कंसंट्रेशन आती है। लाल और काला रंग न तो बच्चों के कमरे में न अपने खुद के कमरे में करने चाहिए। फर्नीचर का कुछ भाग अवश्य काला रखा जा सकता है, बच्चे शैतानी करना छोड़ देते हैं। घर के मुखिया का बेडरूम का रंग हल्का हरा होना चाहिए। तो ये कुछ जानकारी जो पंडित जी ने आज हम सभी को दी, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।